ऐसे बच्चे जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहते उनको 1 घंटे पढ़ने का टिप्स। 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंटों ने इस हैबिट को डालकर आज एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट की लिस्ट में आ चुके हैं। अब आपकी बारी है, आपको अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी। अगर आप हैबिट डालना चाहते हो 1 घंटे पढ़ने के लिए, सबसे पहले अपने आप से वादा करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए दिन में 1 घंटे जरूर मैं बैठ के स्टडी करूँगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि एक स्टडी टेबल लेना है जहाँ पर आप बैठ कर पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप बिना हैंड वाली चेयर भी ले सकते हैं या फिर मेरे जैसे एक डेस्क भी ले सकते हैं। बेसिकली ये जो डेस्क मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके कंफर्ट जोन को हटाएगा, क्योंकि पढ़ाई जो आप करोगे कंफर्ट जोन में नहीं करोगे। इसके बाद आपको स्टडी टेबल को सजाना है, जैसे कि घड़ी, पेन, कॉपी, किताब इत्यादि चीज़ें, साथ ही साथ एक सरस्वती माता की फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए। आगे, स्टडी टेबल पर ऐसा कुछ भी ना हो जो आपके ध्यान को भटकाए। ऐसी कोई भी चीज़ मत रखें जिससे आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। पानी की बोतल साथ में ज़रूर लें, इससे आपको बीच बीच में उठकर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अपने फ़ोन को 1 घंटे के लिए एयरप्लेन मोड पर रख सकते हैं, इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप फ़ोन से दूर रहेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको सरस्वती माता की प्रार्थना जरूर करनी है, इससे जिससे कि आपको अच्छी बुद्धि मिले और आपको सफलता प्राप्त हो सके। बीच बीच में पानी पीते रहेंगे तो इससे फायदा ये रहेगा कि आपकी जो नींद आने वाली चीज़ें हैं वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, 1/2 घंटे कंप्लीट हो जाने के बाद थोड़ा टहल सकते हैं और इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपको नींद नहीं आएगी और इस तरीके से आप अपनी हैबिट को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिखाया गया है।